चाय के साथ अक्सर आप या तो बिस्किट खाते हैं या नमकीन खाते हैं, लेकिन हम आपको कटिहार के सुदूर इलाके रामनगर नड़िया के बीच अभी मौजूद हैं। और यह हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि रुपेश जी हैं, लगभग 5 वर्षों से यह जो है चाय और पेड़ा का बिजनेस कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यह रुपेश जी जो है ग्रेजुएट होने के बावजूद जो है इन्हें आइडिया आया, इनके रिश्तेदारों ने इन्हें आइडिया दिया कि जब तक आपको जॉब नहीं मिलता तब तक आप जो है छोटा सा बिजनेस करें। लेकिन इनको जो है धीरे धीरे इसी व्यवसाय में मन लग गया। उसके बाद जो है यह लगातार जो है लोगों को चाय और पेड़ा का मिठास जो है दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यह रुपेश जी हैं जो कि ग्रेजुएट होने के बावजूद जो है यह जो है चाय का दुकान चला रहे हैं। और साथ ही साथ जो है इनके यहाँ का चाय और पेड़ा काफ़ी फेमस है। यह बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर आपको हम फिर से बता दें कि लोग चाय के साथ या तो नमकीन लेते हैं या फिर जो है बिस्किट का आनंद लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। यह जो है रुपेश जी के यहाँ जो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में युवा लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि देर शाम हो चुका है लेकिन फिर भी यह लोग जो है अक्सर शाम में यहाँ रोजाना आते हैं और यहाँ रुपेश जी के दुकान का जो है चाय और पेड़ा का जो है आनंद जरूर लेते हैं। चाय देखिए बनकर तैयार है और रुपेश जी जो है अब चाय लेकर यहाँ पर जो भी युवा लोग बैठे हुए हैं उनको देने के लिए पहुँच रहे हैं। ये देख सकते हैं कि आप इनका चाय जो है मिट्टी का जो कप होता है उसमें तैयार किया जाता है। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में युवा जो है, हालांकि देर शाम हो चुका है लेकिन सभी लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ के चाय का आनंद। हम आपको सीधे रुपेश जी से बात करवाते हैं। रुपेश जी, कैसे ये आइडिया आ गया ग्रेजुएट करने के बाद भी आप चाय? हमारे बड़े भाई जो है कैलाश पेरा भंडार, हमको ये आइडिया दिए। वही बोले कि तत्काल में जो है ना सर्विस, जब तक नौकरी लगेगा तब खोलना है, तत्काल में यही बिजनेस करो। तो हमको जो है ना यही बिजनेस हमको पसंद आया और हम अब सर्विस के पीछे नहीं जा रहे हैं, अब बिजनेस के पीछे ही आ गए हैं। मुनाफा हो रहा है? मुनाफा हो रहा है, अच्छा मुनाफा हो रहा है। इसके पीछे अब सोचा है धीरे धीरे इसको और यूनिक बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। लगभग कितने लोग आ जाते हैं आपके यहाँ? 200+ आ जाते हैं। 200+ आ जाते हैं। कैसे कप चाय पिलाते हैं लोग? 10 रुपया कप पिलाते हैं। और पेड़ा? पेड़ा 10 रुपया पीस पिलाते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि लोग चाय के साथ या तो बिस्किट लेते हैं, बिस्किट नमकीन लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ चाय और पेड़ा का स्वाद लोग लेते हैं। चाय और पेड़ा का स्वाद लेते हैं। इसका क्या, कैसे पेड़ा तैयार करते हैं? पेड़ा तैयार करते हैं, हमारे यहाँ कम से कम 5 क्विंटल दूध रोज का खपत है। अच्छा, ठीक ना। पेड़ा बनाते हैं, मेरा पेड़ा रांची, इधर फारबिसगंज, जोगबनी, हर जगह मेरा पेड़ा जाते हैं। ठीक ना, ये जो चाय है शुद्ध प्योर, शुद्ध प्योर दूध का बनता है और यहाँ पे गाय का दूध का यूज नहीं होता, सिर्फ भैंस का दूध का यूज होता है। कितना कप रोजाना चाय बेच लेते हैं? 400+। 400 कप रोजाना बेच लेते हैं? 400+। संतुष्ट हैं इसका? एकदम पूरी तरह संतुष्ट। अच्छा, इस बात का मलाल भी है आपको कि ग्रेजुएट करने के बाद भी? नहीं, मलाल नहीं है। मलाल नहीं है, खुश हैं। हमको यही चाहिए, अब दूसरा अगले को हम राय देते हैं कि यही बिजनेस कीजिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो कि ग्रेजुएट करने के बाद उन्हें लगता है कि चाय बेचना या इस तरह का काम जो है छोटा काम मानते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? नहीं, हम तो संदेश देते हैं कि यही आप कीजिए, इसमें जो है ना नौकरी के पीछे आप भागते भागते मालूम पड़ेगा 10-20 साल में नौकरी आप नहीं ले रहे हैं, तो यही बिजनेस कीजिए, बहुत अच्छा है, प्लस पॉइंट के लिए आप कम उम्र में आगे बढ़ सकते हैं। खुश हैं आप इस बिजनेस? एकदम एकदम। तो आइए अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो चाय का और पेड़ा का स्वाद लेने पहुंचे, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राहुल कुमार। कहाँ से आए हैं? पोठिया से। कैसा इनके यहाँ चाय और पेड़ा बनता है? चाय तो बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट चाय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पेड़ा भी बहुत बढ़िया मिलते हैं। अच्छा, तो लोग अक्सर जो है चाय बिस्किट या चाय नमकीन के साथ खाते हैं, लेकिन यहाँ चाय और पेड़ा का कॉम्बिनेशन है। जी जी, पेड़ा स्वादिष्ट पेड़ा है और चाय भी बहुत टेस्टी है, इसलिए चाय पेड़ा साथ। एकदम एकदम। क्या नाम बताया आपने? राहुल कुमार शाह। कैसा है चाय? एक नंबर है भैया। अच्छा है, एक नंबर। आते हैं अक्सर? हाँ, अक्सर ही आते हैं। कहाँ घर है आपका? पोठिया घर है। अच्छा, पोठिया से यहाँ गए कितने शाम में? भी 2 किलोमीटर। अक्सर आते हैं? लगभग 2 किलोमीटर तो होगा। हाँ, 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर चल के यहाँ चाय पीने आए हैं? हाँ, बाइक से भी आते हैं, होता है तो। क्या नाम बताया आपने? राजा कुमार। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाय का बहुत अच्छा है। अच्छा है, यस। तो लोग जो है चाय के साथ नमकीन लेते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग है चाय पेड़ा का। हाँ, चाय पेड़ा। कैसा है स्वाद? बहुत अच्छा है। पेड़ा ओरिजिनल है? ओरिजिनल है। और चाय कैसा है? चाय भी बहुत टेस्टी है। टेस्टी है। कहाँ से आए हैं आप? रामनगर से। मतलब स्वाद में ठीक लगता है ना? हाँ, स्वाद में ठीक लगता है। आइए और भी कुछ लोग, उनसे हम बात करते हैं। कैसा है भाई साहब चाय? चाय अच्छा, इसलिए तो 2 किलोमीटर चल के आते हैं पीने। चाय अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। अक्सर आते रहते हैं? जी। आइए हम आपको हम दुकान के अंदर लेकर चलते हैं। इनके दुकान में जो पेड़ा तैयार होता है,
वो आप पेड़ा भी देख सकते हैं। यह पेड़ा जो है तैयार किया गया है, जो कि अब इसे काउंटर पर लगाया जाएगा और काउंटर पर भी जो है यहाँ पर पेड़ा कैरेट में रखा हुआ है। निश्चित तौर पर रुपेश जी चाय और पेड़ा का कॉम्बिनेशन लोगों को दे रहे हैं, लोगों को खासकर युवाओं को काफी पसंद आ रहा है। एक बार फिर से हम चाहेंगे वो तस्वीर दिखाया जाए कि देर शाम हो चुकी है लेकिन फिर भी जो है जो युवा है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ का चाय और पेड़ा का कॉम्बिनेशन जो है लोगों को काफी पसंद आता है। निश्चित तौर पर रुपेश जी एक उदाहरण और भी पेश कर रहे हैं कि रुपेश जी का कहना है कि पहले ये ग्रेजुएट किए, उसके बाद इन्हें लगा कि नौकरी करेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये इस व्यवसाय में जुड़ते गए, आगे बढ़ते गए, अब यह कहते हैं कि अब नौकरी मुझे नहीं करनी है, मुझे इसी व्यवसाय में काफी मन लग गया है। और यह जो अन्य युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि जरूरी नहीं कि अगर नौकरी आपको ना हो तो आप घर में बैठे रहें, यूं ही समय बिताएं, आप इस तरह का छोटा सा व्यवसाय करके भी अपना जीविकोपार्जन जो है कर सकते हैं। ये रुपेश जी ये भी कह रहे हैं कि इनके यहाँ रोजाना 400 कप जो है चाय का बिक्री होता है और पेड़ा जो है वो भी काफी लोग पसंद करते हैं। निश्चित तौर पर एक बार फिर से आपको बता दें कि कटिहार के नरहिया, ये जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये NH है जो कि फारबिसगंज तक को जो है जोड़ती है, इसी के ठीक सामने जो है रुपेश जी का चाय और पेड़ा का कॉम्बिनेशन का जो है चाय दुकान, वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। खासकर युवा जो युवा रुपेश हैं वो कई अन्य युवाओं के लिए उदाहरण भी पेश कर रहे हैं कि युवा चाहे तो वह कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी रोजगार छोटा नहीं होता है, कि इन्होंने इनके रिश्तेदार ने इन्हें आइडिया दिया कि जब तक आपको जॉब नहीं होता है तब तक आप जो है चाय और पेड़ा का बिजनेस स्टार्ट करें। और ये जब स्टार्ट किए तो अब धीरे धीरे ये इसी व्यवसाय से बेहद खुश है और इनका कहना है कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, अब ये चाय का और जो पेड़ा का व्यवसाय है इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। मनीष कुमार, लोकल 18, कटिहार।